गौर किया जाए तो इसका ये कहना है कि विभागीय दिशा निर्देश के हिसाब से आउटसोर्सिंग करना जरूरी है और इस मामले में लोकायुक्त में एक मामला पड़ा हुआ है जिसमें केएमडी के सारे कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही रखा जाना है। इसी संबंध में नगर पंचायत के द्वारा ये निर्णय लिया गया और इस आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कराने में भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा की गई है, उनको ईपीएफ ईएसआईसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है तथा जो श्रम संसाधन विभाग का जो मिनिमम मजदूरी है वो भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हड़ताल कितने दिन तक रहेगा मैडम? अब उस पर वार्ता चल रही है तो उस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लोग जल्द ही सब कुछ सुलझाने की कोशिश करेंगे। सफाई कर्मचारी का हड़ताल पर जाने से जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे दो कर्मी हैं जो रेगुलर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसी गंदगी की शिकायत मिल रही है वहाँ हम लोग उसको साफ करवा रहे हैं। ठीक, सड़क पर है हाथ में झाड़ू लेकर। पिछले एक महीना से नगर पंचायत मनेर सशक्त कमेटी और कार्यपालक महोदय इन लोगों ने मिल करके और यहाँ के मजदूरों को आउटसोर्सिंग एनजीओ के हाथे देना चाह रहे थे, जिसके चलते पिछले बार चार दिन हड़ताल रहे। इसके बाद इस सशक्त कमेटी और कार्यपालक महोदया और मजदूरों के बीच में वार्ता हुई, बोले इन लोगों ने बोला कि अब से इस तरह की बात नहीं होगी, एक महीना का समय देते हैं, जो मजदूर काम अच्छा से नहीं करेंगे उसको हटाया जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने धोखाधड़ी से बगैर बताए हुए किसी को सूचना किए हुए इन्होंने आउटसोर्सिंग को कर दिया और इस तरह यहाँ के मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए और आउटसोर्सिंग के नाम पर एक अंदर से इन लोग के अंदर कमीशन खोरी का मामला है। इस तरह की मामला हम लोग नहीं सहेंगे, एक भी मजदूर नगर पंचायत का आउटसोर्सिंग को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम लोग जैसे थे वैसे ही काम। नाम बताइए अपना। हमारा नाम सुधीर कुमार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।